Gentlemen, the partition of India is inevitable. It is no longer a question of if, it's a question of when. But until the Boundary Commission is formed, we as a commission needs to propose a line dividing Punjab. सर स्टैफर्ड क्रिप्स की अगुवाई में बने कैबिनेट मिशन की बैठकों में ये साफ हो चुका था कि हिंदुस्तान का बंटवारा होना लगभग तय था। सरहद की लकीर तय होने में काफी वक्त था, मगर वाइसरॉय लॉर्ड वेवल को पेश करने के लिए एक गैर सरकारी लकीर तय की जा रही थी। The dividing of Punjab is a certainty. मैंने फैसला कर लिया है। दरअसल इस घर का बंटवारा हो चुका है। दिलों में लकीर खिंच गई है, तब बस औपचारिकता बची थी, तो आज मैंने पूरी कर दी। ये घर जमीन जायदाद व्यापार के बराबर के हिस्से किए जाएंगे। जेंटलमैन, आई प्रपोज दिस बाउंड्री लाइन डिवाइडिंग पंजाब, व्हेयरएज इन द एरिया वेयर यू हैव द मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स विल गो टू पाकिस्तान, and the areas where the population majority is Hindus will go to Hindustan. Hindustan ke nakshe par lakeer khinchi jane lagi. Angrezi hukumran uski surat badal kar dekh rahe the ki aakhir batware ke baad wo kaisa dekhega, kis hisse mein azane gunjengi aur kaun sa hissa kirtanon ka kalrav sunega. Aaj se ye ghar do hisson mein batega. एक हिस्सा किशन लाल और उसके परिवार का, और दूसरा हिस्सा मेरा और मेरे परिवार का। जायदाद में आने वाली सभी चीजें, बर्तन, अनाज, यहां तक के इस घर के पानी तक का बंटवारा होगा। शोरी, वो तय भी दस दे, ये बदनसीब बुड्ढी किसके हिस्से में जाएगी? मुल्क के साथ इस घर का भी बंटवारा हो रहा है, पर चाहे जितने भी जतन करने पड़ जाएं, अपने बराती जी के आंगन को एक दिन वापस जोड़कर दिखाना है लाजो ने। लाजो अवाक खड़ी देखती रह गई। उसके आसपास की दुनिया बिखर रही थी। जहां एक तरफ पंजाब की मलकियत का बंटवारा हो रहा था, तो दूसरी तरफ लाजो के ससुराल की जायदाद बट रही थी। भारद्वाज निवास की जमीन, किशोरी लाल एंड सन्स के नाम जो कारोबार है, और पैतृक संपत्ति में गिने जाने वाले नकद रुपए
तमाम जेवरात एवं बर्तन सभी चीजों के दो बराबर जायज हिस्से किए जाएंगे। एक तरफ सवाल था कि पंजाब की नदियों के पानी पर किसका हक होगा। Now, gentlemen, let me show you the division of the rivers. तो दूसरी तरफ तय हो रहा था कि लाजो के ससुराल की रसोई, उसके चौके बर्तन और पानी के हौदों पर किसका हक होगा। Granaries. The whole of Punjab is rich in food grains. Wheat and rice is grown in abundance in Amritsar. I propose the division of both. पंजाब की धरती के अनाज पर विवाद चल रहा था और लाजो के ससुराल की रोटियां और उनमें लगने वाला अनाज दोनों अलग हो रहे थे। एक तरफ था शकल बदलता अनारकली बाजार, जहां कई हिंदुओं की दुकानों पर नए मुसलमान कारोबारियों के नाम चढ़ गए थे। और दूसरी तरफ वो दुकान थी जिसे लाजो ने जान पर खेलकर बचाया था। उस पर भी अब दो गल्ले बन गए थे। Revenue sharing of monetary and liquid assets, East Punjab, West Punjab, is to be shared in the ratio of 65-35. और लाजो के परिवार के पुश्तैनी जेवर भी आंगन में शर्मसार हुए। वैसे पापी जी, जब हर चीज का बराबर हिस्सा हो रहा है तो फिर कंगनों का भी होना चाहिए। और वैसे आपको तो नुए मिलने वाली है, वो भी दो दो। कल को बेटी तो हमको ब्यानी है कि दुलारी को खाली हाथ भेजूंगी उसके ससुराल। बीजी, इतना शर्मिंदा भी ना करो,
कि अपना दाज ले जाते हुए मैं शर्म से मर जाऊं। ना ना पुत्र, तू क्यों मर जाए शर्म से? ये कंगन तो बड़ों का आशीर्वाद होते हैं, और ये वाले कंगन, ये तो तेरी कलाई पे और भी सोने लगेंगे। ला दे। हर तिनके का हिसाब लगाया जा रहा था, चाहे वो मिट्टी हो या पीतल, सोना हो या चांदी। भाभी जी, एक बात और, वो चांदी की थाली मेरे अंबर सर से आई थी, वो भी मेरे तरफ ले जा रही हो, आपको कोई एतराज तो नहीं ना? ना ना शक्कू, मुझे कैसा एतराज, ले जा और खुश रह। अलगाव के उस मंजर को देखती लाजो के मन में अजीब कश्मकश चल रही थी। क्या अब इस शहर की कोयलें सिर्फ आयतें गाएंगी, पौड़ियां और मंत्र नहीं? क्या अब इस देश की नदियां सिर्फ रोजा रखने वालों की प्यास बुझाएंगी, व्रत रखने वालों की नहीं? क्या ये चंदा मामा सिर्फ ईद की खबर करेगा, करवा चौथ की नहीं? क्या ये जमीन बेगानी हो गई है और यहाँ रहने वाले लोग पराए? उसे ये बातें कहाँ समझ आनी थी? आखिर वो एक गांव की अनपढ़ लड़की थी जिसने एक शहर के लड़के को अपना दिल दिया था और उससे ब्याह कर लिया था। वो शहर जो उसके लिए परदेश था, वो परदेश जिस पर सरहद की लकीर खींच जानी थी, ठीक वैसे जैसे भारद्वाज निवास में बन गई थी। रोशनी जा रही है लगता है। तुसी आज भी ठीक देखते हो माता जी, अखां दी रोशनी तो इस घर के बाकी सारे लोगों की चली गई है, जो ये नहीं देख सकते कि कितना गलत हो रहा है इस आंगन दे नाल। तुसी आप ही देख लो माता जी।
घर का बंटवारा तो तुम लोगों ने कर दिया, पर अपना बंटवारा मैंने खुद ही करना है। महीने में 15 दिन मैं शोरी दे नाल रहूंगी और 15 दिन किशन दे नाल। लगता है मौत के साथ ही इनसे पीछा छूटना है, कहीं इन्हें आने से पहले मुझे ना आ जाए। किशोरीलाल जी, किशनलाल जी, आप दोनों इस बंटवारे के कागजात पर दस्तखत कर दीजिए। इसकी नकल मैं आप दोनों को दे जाऊंगा। बड़ा प्राह होने के नाते तुझसे कह रहा हूं, दिल पे मत लगाना। इस ईंट की दीवार ने हमें अलग नहीं किया है किशन, तेरी कमजोरियों ने हमें अलग किया। गोटियां जब तो भाइयों के बीच में दखल करने लगती हैं, परिवार बिखर ही जाते हैं। मैं हमेशा दुआ करूंगा किशन कि तू फूले फले हमेशा खुश रहे। चमन, चमन। नहीं किशन, अब इसकी कोई लोड़ नहीं। बंटवारा हो चुका है, सबको अपना हिस्सा मिल चुका है। उम्मीद करता हूं कि सब इस बंटवारे से खुश रहे।
एक बंटवारा मुल्क की सियासत ने किया और एक बंटवारा इंसानी फितरत ने। मुल्क के बंटवारे का अंजाम आज सबके सामने है, पर क्या लाजो अपनी ली हुई अहद को मुकम्मल कर पाएगी या गाड़ी हो जाएगी भारद्वाज निवास में बनी सरहद।